तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त सॉलिड बॉडी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज 1 अगस्त 2022 की करंट अफेयर। तो जो भी 1 अगस्त से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिएगा, 10 मिनट की वीडियो है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन फ्रांटेदार स्पीड से कराते हुए चला जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, और दोस्तों पिछली 2-3 वीडियो नहीं आ पाई तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। तो अब वो कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो डेली आए और कंटिन्यू आए, ठीक है। आप तब तक के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं आई तो आपको PDF जरूर मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वीडियो देखने का फायदा यह है, मैं 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाता, मुझे पता है 10 क्वेश्चन पढ़ने में परेशान रहते हैं बच्चे, इतना टाइम कौन देगा। लेकिन मैं 10 मिनट या 8 मिनट में आपको पूरे 30 क्वेश्चन के आसपास आपको करा के चला जाता हूँ। और मेरी वीडियो पढ़ने के बाद आप किसी के भी पढ़ लेना, आपको 99.99% आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। एक आध क्वेश्चन है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इससे ही मिलेंगे, ठीक है। तो करते रहिएगा, देखते रहिएगा, चलते रहिएगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, इन्होंने दिया आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो जो डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 51% की, ठीक है, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसने प्रदान किए। तो किसने प्रदान किए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ गए होंगे मेरे भाई और बहनों के, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जिस भाई को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे एंड अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि, और बेल आइकॉन की घंटी भी बजा दे ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे और आप इस वीडियो को देखकर सभी क्वेश्चन दिमाग में छाप ले, ठीक है, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी में भी आप इनको ना छोड़ें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या दिया हुआ है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुँचा है। तो कितने अरब डॉलर पर पहुँचा है बताइएगा, यह पहुंचा है 571, ठीक है, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। तो किसने घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है, याद रखना। देखिएगा 5वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो यह हुआ है कर्नाटक में, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या दिया हुआ है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी। तो कौन बनी, सावित्री जिंदल, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने चाइना की भी लेडीज को पहचान दिया है, ठीक है, पीछे कर दिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा, दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से छापते रहिएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए। तो किस देश ने किया है कारनामा, जिम्बाब्वे, याद रखना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, हाल ही में LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, रवि किशन टक्कर को, ठीक है, याद रखना, उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति आए हैं, मालदीव के, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्रीय योजना का शुभारंभ किसने किया। तो किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो सबसे कम उम्र के भी खिलाड़ी यही बने थे, गुस्ताव मैकनोन, और लगातार 2 शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी गुस्ताव मैकनोन, ये फ्रांस के खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते रहिएगा। क्या दिया हुआ है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया। तो मिंजर मेला कहाँ पर मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिएगा 13वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय होने की मंजूरी दी है। तो किसके साथ, BSNL के, ठीक है, याद रखना, अब ये दोबारा से अस्तित्व में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किसने किया है। तो किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, जो DLSA के फुल फॉर्म है हिंदी में ये है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो आप इसको बोल सकते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में
कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं 2022 में, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते रहिएगा। और 16वां क्वेश्चन देखने से पहले, जिस भाई को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो डायरेक्ट ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, और अगर उसने पहले टेलीग्राम डाउनलोड किया हुआ है अपने मोबाइल में, वहाँ पर सर्च मारिए BMDGM क्लासेस, वहाँ से आप इसमें ऐड हो जाओगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। और जितनी भी PDF आज तक हमने अब तक पढ़ाई है सभी उसमें पढ़ी हुई है, सभी वीडियो पढ़ाने की, आप टेंशन फ्री होकर सभी वीडियो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, उनको बार बार पढ़ सकते हो। ठीक है, देखते रहिएगा। आज का 16वां क्वेश्चन, हाल ही में DP वेलांग कहाँ के नए मुख्य सचिव बने? तो कहाँ के बने हैं? मेघालय के। ठीक है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? संकेत सरगर ने। ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। हाल ही में गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। देखिएगा 19वां क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 1 अगस्त को। किस उपलक्ष्य में मनाया गया? 3 तलाक के खिलाफ कानून आया था इस दिन, याद रखना, 1 अगस्त 2021 से लागू हो गया था 3 तलाक का कानून। अब तलाक 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 से तलाक नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, अब कानूनी अधिकार बना दिया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा गोली गिरफ्तार से क्या दिया हुआ है। 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली पुलिस या पुलिस के, इसे दिल्ली को काट दीजिए, देखिएगा दिल्ली को मत काटिएगा, देखिएगा पुलिस को काट दीजिए, क्या दिया हुआ है? देखिएगा, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए? तो कौन नियुक्त हुए? संजय अरोड़ा, जो फिलहाल में ITBP के महानिदेशक भी है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रणय कुमार वर्मा को। ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। 23 क्वेश्चन, विश्व रेंजर फेडरेशन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 31 जुलाई को। ठीक है, और ये 1992 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, याद रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल नहीं डरने का और याद करते रहना, दिमाग में छापते रहना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24, तो 31 जुलाई 2022 को चाबहार दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में। आपको बताया है चाबहार एक बंदरगाह है जो भारत के द्वारा ईरान में बनाया गया है। ठीक है, वहाँ से व्यापार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, तो देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो किसने की है? तमिलनाडु ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, क्या दिया हुआ है? डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया है? तो कौन बनाया है? गुजरात, याद रखना। देखिएगा 28 क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय और सौर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। आज की वीडियो का लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन 29वां, हाल ही में किसने देश में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे और PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। तो जिस भाई को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करते रहिएगा। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। ठीक है, चलते रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टाटा।